बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर सीएए को लेकर के है, जहां पर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जो विपक्षी दलों की तरफ से पलटवार किया गया था। रविशंकर प्रसाद को सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। सबकी सियासी जमीन खिसक रही है, इसलिए हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि सीए कानून बनाया गया है प्रताड़ित लोगों के लिए जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आए, और इसके बारे में और कृपया करके झूठ गलतफहमी फैलाना समाप्त करें। इंडिया गठबंधन के एक भी दल ने सीए को लेकर तर्कपूर्ण बातें नहीं कही है और समर्थन नहीं किया है, या तो चुप है या तो कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से लाया गया है, या फिर तो मैं तर्क की बात की। आज बार बार जब सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, गृह विभाग ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है, तो फिर इसको क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है सांप्रदायिक वैमनस्य के आधार पर। एक भी तार्किक विरोध नहीं किया गया है, इसलिए मैं लगा कि इसको स्पष्ट करना जरूरी है। ममता जी स्लिपरी पॉलिटिकल ग्राउंड इन बंगाल इज फोर्सिंग हर टू गिव ए कम्युनल खला विच वी कंडेम विथ ऑल द अथॉरिटी एट आवर कमांड। माई द रिप्लाई इज वेरी सिंपल। उन्होंने तीन तलाक का क्यों विरोध किया था, जो कि नारी न्याय, नारी सम्मान, नारी गरिमा के लिए था। उन्होंने हर बार प्रगतिशील कानून का क्यों विरोध किया। तो आज मेरा यही सवाल है, नहीं वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे? What is the extent to which they are willing to degenerate themselves in pursuit of vote bank politics? That's all. उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि नितिन गडकरी जी को टिकट नहीं देंगे तो हम लोग एमवीए से उनको लड़ेंगे। नितिन गडकरी ने उसका जवाब दे दिया है, हास्यास्पद कहा है, बस ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं कहना है। उनके अपने घर में ही बहुत मारधाड़ मची हुई है। That's all. Thank you. अब जरा मैं तो रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे आप, और उन्होंने सीएए को लेकर के इस बात की जानकारी दी और ये कहा कि जिस तरीके से बार बार हमारी सरकार इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने का कानून है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज सुबह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी की गई थी और सीएए लागू होने पर कैसे सियासत बेकाबू हो रही है इसको लेकर क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह भी हम आपको पॉइंटर्स के जरिए समझा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि हमारे बच्चों का हक छीना जा रहा है, वोट बैंक के लिए सीएए को लागू किया गया है। ये अरविंद केजरीवाल ने इन बातों का जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बीजेपी अपने लिए नया वोट बैंक बना रही है, 2024 के लिहाज से इसे लागू किया गया है। असम में हिमंता को सीएए का विरोध करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसी बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कई सारे सवाल भी पूछे हैं सरकार से और लोगों से भी अपील की है कि आप भी सोचिए समझिए और फिर अपनी राय बनाइए। पूर्वोत्तर के राज्यों को भारी नुकसान सीएए लागू होने से हो सकता है, इसकी भी आप आशंका जाहिर की है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद ने हर बात का खंडन करते हुए इस बात का जवाब दिया और ये कहा है कि केजरीवाल वोट के लिए कहां तक जाएंगे, इस प्रकार के भ्रम फैला करके आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं, और तमाम विपक्षी दल इस वक्त भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही जब ममता बनर्जी के सवाल को लेकर के पूछा गया कि ममता बनर्जी भी दूसरी तरफ बंगाल में यही बातें कह रही है, मन से वो कहती है कि मैं किसी की नागरिकता नहीं जाने दूंगी, ना ही बंगाल से किसी को बाहर जाने दूंगी, तो ऐसे में आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जिसका जवाब रविशंकर प्रसाद की तरफ से दिया गया कि वो सिर्फ कम्युनल राइट्स फैलाने की कोशिश कर रही हैं और इस वजह से वो इस तरीके के बयान दे रही है। अब अफवाह और सच क्या है सीएए को लेकर के आप ये भी समझ लीजिए। अफवाह यह है कि नागरिकता छीनने की कोशिश सीएए को लागू करने से होगी, लेकिन सच यह है कि नागरिकता देने का यह कानून है, ना कि छीनने का। तो अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दीजिए। अब दूसरी अफवाह भी सुन लीजिए, भारतीयों की नागरिकता को खतरा बताया गया है विपक्षी दलों की तरफ से सीएए को लेकर के, लेकिन सच यह है कि भारतीय नागरिकों पर कोई भी असर इसका नहीं पड़ेगा।
तो वहीं तीसरी अफवाह यह है सीएए को लेकर के कि मुस्लिमों की नागरिकता पर भी खतरा है, उनसे उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। लेकिन सच यह है कि शरणार्थियों को नागरिकता का कानून दिया जा रहा है, यानी कि जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। अफवाह यह भी है सीएए को लेकर के सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी, लेकिन सच है कि सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई भी इसमें शामिल किए गए। तो अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दे, पूरा सच समझे, उसके बाद ही अपनी कोई राय बनाए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।